हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लवली क्रिएशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि कम कपड़े में स्लीव का सुंदर डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे कट करनी है एक लॉन्ग स्लीव, और लॉन्ग स्लीव बनाने के लिए कम से कम आधे मीटर कपड़े की ज़रूरत होती है। और क्योंकि मेरे पास आधा मीटर कपड़ा सिंगल नहीं बचा है, तो मैं उसे टुकड़ों में बनाऊंगी। तो मैं दोनों कपड़ों को, दोनों पार्ट्स को जॉइंट करूंगी, ताकि इसमें मेरी एक स्लीव, लॉन्ग स्लीव आराम से निकल जाए। तो फ्रेंड्स, अगर हम इन्हें ऐसे ही सिंपल आपस में जॉइंट कर देंगे तो इतना अच्छा स्लीव का लुक नहीं आएगा, इसीलिए हमने ये नेट वाली लेस ली है, जिससे कि हम इसे बीच में इस तरह से रख के दोनों इसके ऊपर, दोनों कपड़े इसके ऊपर सेट कर देंगे, यानी कि जॉइंट कर देंगे। तो उससे पहले हमें इसे फोल्ड करना पड़ेगा इस तरीके से, लेकिन हम फोल्ड करने के लिए सिलाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इसके ऊपर प्रेस करेंगे। तो चलिए हम दोनों कपड़ों की साइड्स को फोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ बस एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमें कपड़ा फोल्ड करना है वो कपड़े की उल्टी साइड फोल्ड करना है। तो मैंने कपड़े को ये उल्टा बिछाया हुआ है इस वक्त, और इस पर हम दो बार फोल्ड करके प्रेस कर रहे हैं। इसी तरह हम दूसरे कपड़े की भी साइड फोल्ड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब ये हमने लेस ली है नेट वाली। अब हम इस पर जो हमने फोल्ड साइडेड है हमारी कपड़े की, वो हम इसके ऊपर स्टिच करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लेस को कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम लेस की दूसरी साइड, अपना जो दूसरा स्लीव का पार्ट है वो जॉइंट करेंगे। वही फोल्डेड साइड से हम इसको स्टिच करेंगे। तो फ्रेंड्स, लेस लगाने के बाद अब हम इसको उल्टा करके, उल्टा फोल्ड कर लेंगे और इसको अच्छे से बिछा लेंगे। अब हम इस पर अपनी स्लीव, सिंपल स्लीव की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लेंथ देख लेते हैं। लेंथ हमें जितनी भी लेनी है उसे एक इंच एक्स्ट्रा लेनी है, क्योंकि नीचे हमें बॉटम मोड़ना है, और यहाँ से ऊपर की तरफ से हम आधे इंच पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसी लाइन पे हमें लेना है चेस्ट का पांचवा हिस्सा, जो हमारा आएगा 8.5। तो हम यहाँ पे हम 8.5 पे मार्क करेंगे, और इसी मार्क से नीचे की तरफ हम लेंगे 3। इसके बाद हम लेंगे स्लीव बॉटम, जो है 9। 9 का हाफ करेंगे और उसमें आधा प्लस करेंगे, तो हमारा आएगा 5। तो 5 पे मार्क करेंगे और दोनों मार्क्स को मिला लेंगे इस तरीके से। अब फ्रेंड्स, इस मार्क से ऊपर की तरफ हम गोल शेप बनाएंगे स्लीव की। और एक शेप बनाएंगे हम आधा इंच अंदर की तरफ इस तरीके से।
तो फ्रेंड्स अब हम एक एक इंच का मार्जिन ले लेंगे, मार्जिन पे मार्क करेंगे। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब ये जो हमने शेप ली है इससे हम आधा इंच मार्जिन लेके कट करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम स्लीव को खोल के बिछा लेंगे और अंदर वाली शेप कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम दूसरी स्लीव कट करेंगे। दूसरी स्लीव पहले से मैंने इस पे लेस लगा रखी है, अब हम इसको अच्छे से डबल करके बिछा रहे हैं। अब इसके ऊपर हम ये वाली कटी हुई स्लीव रख लेंगे अच्छे से सेट करके। अब इसके नाप पे हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम इसे खोल के बिछा लेंगे उल्टा करके, और जो हमने पहली वाली स्लीव है उसको भी हम इस पे उल्टा करके बिछा लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारी दोनों स्लीव कट चुकी हैं, अब हम इनकी फिटिंग करेंगे। सबसे पहले हम स्लीव का बॉटम फोल्ड करेंगे। इसके बाद हम साइड से स्लीव की फिटिंग करेंगे। हमने जहाँ पे मार्क लगा हुआ है वहीं पे हमने सिलाई चलानी है। यहाँ पे सिलाई को पक्का कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ लास्ट में भी हम सिलाई को पक्का कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारी स्लीव बन चुकी है, अब हम इसको सीधा करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए सीधा करने के बाद कितना अच्छा हमारी स्लीव का लुक आया है। और आज की वीडियो यहीं तक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।